विधायक रवि राणा ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस नेता के इशारे पर जून में अमरावती के फार्मासिस्ट उमेश कोले की हत्या की जांच डकैती के मामले के तौर पर करने के लिए पुलिस पर दबाव डाला था। राणा ने उद्धव ठाकरे की कथित भूमिका का पता लगाने के लिए एक SIT की और जाँच की मांग की थी। राणा की मांग का जवाब देते हुए राज्य के मंत्री शंभूराज देसाई ने विधानसभा को बताया कि राज्य खुफिया विभाग को राणा की ओर से लगाए गए आरोपों पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को 15 दिनों में एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से पिछले सप्ताह 11 लोगों के खिलाफ दायर चार्जशीट के अनुसार बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की विवादास्पद टिप्पणी का समर्थन करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा करने वाले कोल्हे की पैगंबर मोहम्मद के कथित अपमान का बदला लेने के लिए तबलीगी जमात के कुछ कट्टरपंथी इस्लामवादियों ने हत्या कर दी थी। राणा ने आरोप लगाया कि कोल्हे ने हिंदू धर्म का प्रचार किया और जब उन्हें धमकियां मिली तो अमरावती पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती जिले से ताल्लुक रखने वाले निर्दलीय विधायक ने दावा किया कि जब कोल्हे की सार्वजनिक रूप से हत्या की गई थी तब मुख्यमंत्री ठाकरे ने जांच को डकैती के मामले में बदलने और कांग्रेस नेता के इशारे पर इसे दबाने का निर्देश दिया था। उन्होंने उद्धव की भूमिका की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल गठित करने की मांग की थी। राणा ने यह भी दावा किया कि उनकी और उनकी सांसद पत्नी नवनीत राणा की केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने के बाद NIA ने कोल्हे की हत्या की जांच शुरू की। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN News देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।